पर हमने आज जो आपके मुफ्ती साहब ने भी जो है वो बयान दिया है, कुछ ओम चौधरी भी बयान दिए, तो हम वो बातें नहीं कर रहे ना प्लीज। दोनों बिगड़े हैं, गंदे आदमी है, दोनों ने बयान दिया, छुपा के मुंह बैठ रहा था गाड़ी में ओम चौधरी। ओम चौधरी कौन सा तीर मार कर उसने बड़ा करना साथ रखा उसको कई साल, देखें साथ थूको उसका मतलब होता है, उसका ये मतलब होता है कि खाओ उधर फिर थूक दो। नहीं, आपके अपने अमल नामा होता है। ये सारे जो इस वक्त बोगस और सारे इकट्ठे हुए हैं ना, अच्छा मुझे सिर्फ इमरान खान के खिलाफ हुए हैं। ओके, ये बता, जो अभी भी सारी फौज इमरान खान के साथ नीचे खड़ी है सर, ऐसे बयान ना कर रहे हैं, क्या बात ना दिया करें, ऐसे बयान देखिए, वो जो है अपने कमांडर के साथ खड़ी है, आर्मी चीफ राइट देखते हैं ना, 7 लाख फौज राइट कह सकते हैं, देखिए मिल जाते हैं ना 7 लाख फौज राइट करती है, कोई भी नहीं, सारे सारी फौज अपने चीफ के साथ खड़ी है, उनके डिसिप्लिन है, लेकिन मैं बात करता हूं, मैं इनकी बात ये बड़ा कह रहे हैं। वैसे मैं एक सवाल, वो कैसे शुबाश शरीफ को सलूट मार रहे हैं, वो भूल गए हैं, जैसे उन्होंने फेक तस्वीरें का जवाब ये देंगे, की वहां से इसका जवाब ये देंगे, और मुझे सवाल का जवाब जबरदस्त शुबाश शरीफ, आज मेरा मान गए, आज आप मेरा सारी जिंदगी एक दूसरे को गाली, आज आप मेरा एक मसला कर दें, क्या जैसे जज मिले, बाजवा जैसे और फैज जैसे लोग मिले, आप 10 साल के प्रोजेक्ट पे थे कि 10 साल तो हमारे कहीं नहीं गए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ऑडियो लिखी हुई थी नहीं, वो तो उनकी बात होगी ना, किस लेवल पर, किस लेवल पर, मतलब बहुत सारी आप ऑडियो देखी, ज्यादा तो एक हो गई ना यार, आप एक मिनट ना उनको असल बात की तरफ जाने दें, इन इत्माद जो है आपने, आपने आपको इत्माद उस जज पर नहीं हो सकता जो कि बैलेंस है, आपको तो वो जज चाहिए जो गुटुसियो का है, जो आपको मर्सिडीज गाड़ी के अंदर जो है ना एक अक्यूज को, जो कि जिसका जिसका रिमांड, जो रिमांड पर है उसको मर्सिडीज गाड़ी पर वो मंगवाया गया, रजिस्टर मैंने कहा था कि मेरे लिए तो वोट भी यही बराबर करते हैं, मेरे लिए मेंबर्स भी यही आते हैं, बिल भी ये पास करते हैं, मेरी फॉरेन पॉलिसी भी बनाते हैं, मेरी हुकूमत भी ये चलाते हैं, निकाले ना वो क्लिप्स जो हमारे टाइम पे आपने, ये थी कि पहले इमरान खान साहब की किसी मामले में पकड़ नहीं थी, वो 25 मई को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने हवा में उड़ाया, वो जलाओ घिराओ किया, सब कुछ किया, इमरान खान साहब की हुकूमत में किसी अदालत को इस तरह से प्रेशराइज होते हुए, जैसे आज जुल्म जबर हो रहा है कि अदालत कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, तो तब आपको छोड़ा जुमला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह ये सारी करप्ट पार्टियां और ये करप्ट निजाम इमरान खान के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए हैं और अब इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए मुख्तलिफ अठकंडे अपना रहे हैं, इस पर पीटीआई के सीनियर वकील नईम पंचोता ने इन तमाम पार्टियों और इस करप्ट निज़ाम को बेनकाब कर दिया। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जो अनासर बयान दे रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, तो बहुत खुशाइन बयान बयान है कि उन्होंने दिया है, उनका पीटीआई से जो है वो कोई मतलब, उन्होंने कहा अगर करें तो ऐसा ताल्लुक, लेकिन ये सीरीज़ है, हमने देखा है एक सीक्वेंस से ये चीज़ें चली हैं, खान साहब ने कुछ तकरीरें की हैं, कुछ अपने स्पीचेस ऐसी हुई हैं, यूट्यूब के ऊपर बात की है, जलसों में बात की है, इंटरव्यूज़ में बात की, उसका एक मोमेंटम बना है, ज़ाहिर आपने एक फील्ड दी, बाकी फिर पीछे लोगों ने आपके लेवल खुद कर ली वो फील्ड, सो अब जिस स्टेज पर चीज़ें चली गई हैं, रियलाइजेशन है कि हाँ गलत हो गया, अगर पॉलिटिकल डायलॉग होता या पॉलिटिकल प्रोसीजर ही अडॉप्ट किया जाता तो ज़्यादा बेहतर। देखिए बात यह है कि अगर कोई कहे कि एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर आपको बाहर निकाला जाएगा, तो फिर उसके अंदर अगर बंदा गलत हो तो बंदा पीछे हटे ना, जब आपका मकसद ये हो कि आपने माफिया के खिलाफ खड़े होना है और आपने रूल ऑफ लॉ के लिए मुल्क की हकीकी आज़ादी, हकीकी आज़ादी क्या है, जब लास्ट टाइम जीआईटी ने सवाल पूछा तो खान साहब ने वाजात की उसके ऊपर कि आइन की बालादस्ती हो, ये जो जजेस को जो है प्रेशराइज़ किया जाता है फैसले देने के लिए, ये पुलिस, ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं इनके ऊपर जिस तरह से फैसले करवाए जाते हैं या जैसे इनको यूज़ किया जाता है वो यूज़ ना किया जाए, अमीर और गरीब के लिए एक कानून तो होना चाहिए। तो ये जब 3.5 साल आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त ये तीनों, ये जो मतलब जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हैं, गरीब अमीर का इंसाफ है, उनको जो है वो बराबर शहरी को आवाज़ उठाने का हक है, ये तमाम चीज़ें 3.5 साल में हो सकती थी, ये क्यों नहीं हो सकती? देखिए मैंने 3.5 साल के अंदर ये नहीं देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत में किसी अदालत को इस तरह से प्रेशराइज होते हुए, जैसे आज जुल्म जबर हो रहा है कि अदालत कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए तो तब आपको छोड़ा। ये जुमला आपने अच्छा सवाल किया कि मैंने नहीं देखा, ये अच्छी बात, नहीं देखा, और दूसरे नंबर पर किसी ने भी नहीं देखा, बाकी कौन देख रही थी कि अदालत की तरह, मैंने कौन देखती होती तो आज इमरान खान के साथ क्यों खड़ी होती, होती रही अदालत, मैंने जो कहा चले छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, ना अदालत मैंने जो ना पुलिस को इमरान खान ने यूज किया, ना नैब को इमरान खान ने यूज किया, आप कैसी बात कर रहे हैं, केसेस जो बने हुए हैं नवाज शरीफ वाले भी वो कब के हैं, 2017 का वो सजा वाली करते जी, तो आप इनके साथ मिल गए इसका मतलब, और दूसरे नंबर अपने अपने टाइम पे जब आप दूसरे नंबर पर जो फौज के हवाले से, अच्छा अदालतें इससे पहले कभी मैनेज नहीं हुई, देखिए इमरान खान ने नहीं की, किसी ने की, जिसने भी की अभी भी हो रही है, किसके लिए की, इमरान खान के खिलाफ अभी तो हो रही है, पहले इससे पहले दूसरी सियासी जमातों के लिए होती है, इससे पहले नहीं हुई, इमरान खान के दौर में नहीं, लेकिन अदालतें मैनेज होती रही है ना माजी में, हर चीज मैनेज होती रही है, लेकिन आप कह रहे हैं इमरान खान साहब के लिए उस टेन्योर में नहीं हुई, को बिल्कुल भी नहीं, यार कसम से एतमाद को दाद देनी पड़ेगी, एतमाद क्या मैं देखता रहा हूं भाई, अच्छा अगर मैं ना देखता सो तो आप क्यों, और दूसरी चीज जो फौज के हवाले से आप कॉन्फिडेंस सो तो नहीं, मैं तेरे पंचोता जैसा, अच्छा फौज के नहीं कॉन्फिडेंस करके तो मेरी बात की क्रेडिबिलिटी को जो है वो कम ना करें, बात यह है कि फौज के हवाले से अगर मिसाल के तौर पर यहां पर एक आईजी गलती करते हैं उसके हवाले से अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो क्या उसका मतलब यह है कि पूरी जितनी पुलिस नीचे सारे सिपाही कांस्टेबल एएसआई और बिल्कुल एंड तक जो है वो सारे उनके ऊपर पूरे दायरे के ऊपर क्रिटिसिज्म है? नहीं, एक शख्स से इख्तलाफ हो सकता है, नवाज शरीफ साहब के भी बयान देख लें, बाजवा साहब के बारे में क्या बोलते उससे पहले देख लें, बोलते रहे, तो अगर किसी एक शख्स की पॉलिसी गलत है कि वो इंटरफेरेंस कर रहा है पॉलिटिक्स में तो उसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने इदारे को नहीं किया कभी भी टाइम, और ये नहीं कभी भी कहा कि मैं किसी इदारे के खिलाफ हूँ, हमेशा अपनी स्पीचेस के अंदर भी वो कहते रहे कि फौज हमारी है, नहीं कहते रहे, कहते रहे हाँ, हाँ, तो ये कह देना कि जनाब इमरान खान जो है वो फौज के खिलाफ हैं और ये गलत चीज है। हसन अय्यूब साहब
आप लोग क्यों ऐसी खबरें फैलाते रहते हैं? बात यह है कि इनको वो अदलिया चाहिए, इनको वो अदलिया चाहिए जो उनको देख के कहे गुड टू सी यू खान साहब, वेलकम। इनको जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जस्टिस आमिर फारूक जैसा बैलेंस जज नहीं पसंद, इनको वो जज पसंद नहीं है, उनके ऊपर अदम एतमाद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इनको रिलीफ भी देते हैं। अब जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उनके खिलाफ इन्होंने इतनी ट्रोलिंग की, अब वो हंसे जा रहे हैं मुसलसल। जी जी हंसे ना, मैं हैरान हो रहा हूं कि उनके खिलाफ इन्होंने इतनी ट्रोलिंग की, लेकिन उस जज को कुरान से पहले कर रहा था कि बराबरी की बात करें, वो इनके ट्रोलिंग के प्रेशर के अंडर नहीं आए। उन्होंने देखिए वो हंसते हैं खेलते हैं, हंस के बात करते हैं, चाहे इमरान खान के वकील हो उससे मुस्कुरा के बात करेंगे, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज के जो है वो नवाशी साहब के वकील हो। देखिए बात ये है कि आपको एतमाद जो है आपने आपको एतमाद उस जज पर नहीं हो सकता जो कि बैलेंस है। आपको तो वो जज चाहिए जो गुड टू सी यू कहें, जो आपको मर्सिडीज गाड़ी के अंदर जो है ना एक अक्यूज को जो जिसका रिमांड जो रिमांड पर है उसको मर्सिडीज गाड़ी पर वो मंगवाया गया, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कॉल की कि जी इनको एटीसी में मत लेकर आए, मर्सिडीज पे लेकर आए इनको, इसको इनको जो है वो जो बख्तरबंद गाड़ी है उसके अंदर नहीं लेकर आना। फिर जजेस गेट से वो आ रही है मर्सिडीज, इनको तो वैसी अदरिया सूट करती है ना। अब मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब हैं, वो उनको कैसे सूट करते हैं? अब अगर इतना अपराइट इतने अपराइट जो अब तो चीफ जस्टिस बन गया ना भाई जान, रेफरेंस तो सही भेजा सी ना, मैं तो नहीं भेजा सी रेफरेंस, वो आपके जो प्रेसिडेंट साहब थे उस वक्त उन्होंने कहा कि मैंने माइंड अप्लाई नहीं किया कि मुझे कैबिनेट की तरफ से आया है, और कैबिनेट को कौन हेड कर रहा था? इमरान खान साहब। तो बात यह है कि आपने जजेस पर भी हमले किए उस टाइम, असल में ना इमरान खान साहब और हवाओं में थे उस टाइम, एक वन पेज था उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने भी इनका जो इसका ज़हनी तबादला खराब किया, जो आप कहते हैं ये हालात क्यों बने और आज वो क्यों कह रहे हैं कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या फौज के खिलाफ जो है ना वो बयान ना दें। वजह ये थी कि पहले इमरान खान साहब की किसी मामले में पकड़ नहीं थी, वो 25 मई को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने हवा में उड़ाया, वो जलाओ घिराओ किया, सब कुछ किया, इवन देन उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग थी वो बंदियाल साहब ने साल पूरा जो है ना उसको दाखिल दफ्तर कर दिया, रिटायर हो गए, लेकिन उस केस को टेकअप नहीं किया। okay. जब उन्होंने कहा कि किसी केस में पकड़ नहीं है तो फिर उसी का नतीजा था कि 9 मई वाला वाकया जो है वो पेश आया। फैसल साहब, 9 मई के वाकयात को जहन में रखते हुए ये मुमकिन होगा तरीके इंसाफ के लिए कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर उन बयान से डिसोसिएट कर ले जिनका मैंने हवाला दिया? वो तो जितने मैंने हवाले दिए हैं वो तो कहते हैं कि वो तो कहते हैं फौज मेरी अपनी है, खान साहब ने तमाम बातें करके एंड में उन्होंने कहा कि ये भी कहा कि फौज मेरी अपनी है। एक जगह पर तो वो ये भी कह बैठे थे कि मैं फौज कुछ की जब इसलाह करता हूं तो मैं ऐसे करता हूं जिस तरह बाप करता है, मतलब मेरे बच्चों की तरह मैं करता हूं। लेकिन अमूमन जो है अभी भी सारी फौज इमरान खान के साथ नीचे खड़ी है सर, ऐसे बयान ना करें यार, क्या बात ना दिया करें ऐसे बयान। देखिए फौज जो है अपने कमांडर के साथ खड़ी है, आर्मी चीफ राइट देखता है ना, 7 लाख फौज राइट कह सकते हैं, आर्मी चीफ राइट देखता है 7 लाख फौज राइट देखती है, कोई भी नहीं, सारी फौज अपने चीफ के साथ खड़ी है, उनके एक डिसिप्लिन है। लेकिन मैं बात करता हूं, मैं इनकी बात ये कुंडी साहब भाई कौन सी बात, कुंडी साहब के बेहतर होगा कि हम सब ये कहें कि फौज इस मुल्क के साथ खड़ी है, इस मुल्क के इदारों के साथ खड़ी है। सर जो सच्चा बंदा होगा उसमें तो चूज होगा ना कि नवाज शरीफ ठीक है ये, उसमें तो कह सकते हैं बंदी की जिंदगी पर्सनल भी तो है। मैंने अर्ज किया यार पर्सनल जिंदगी भी, आपको फौज में भर्ती होके तो वो पर्सनल जिंदगी भी है। हमने आज जो आपके मुफ्ती साहब ने भी जो है वो बयान दिया है, कुछ ओन चौधरी ने भी बयान दिए, तो हम वो बातें नहीं कर रहे ना, प्लीज। दोनों बिगड़े हैं, गंदे आदमी हैं, दोनों ने बयान दिया है, छुपा के मुंह बैठ रहा था गाड़ी में ओन चौधरी। ओन चौधरी कौन सा तीर मार कर उसने बड़ा करना है, साथ रखा उसको कई साल, देखें साथ रखा उसके बगैर साथ रखा है कि वो नहीं, क्या बात कर रहे हैं, खाओ उधर ही कुत्ते थूको, उसका ये मतलब होता है, क्या मतलब होता है उसका, ये मतलब होता है कि जिधर खाओ उधर फिर थूक दो। नहीं, आपके अपने अमलनामा होता है, जब बंदा देख लेता है कि ये गलाजत चलता है तो बंदा जी गुड़ी साहब देखिए मैं जो है वो नईम साहब को इसका जिम्मेवार इसलिए नहीं ठहराता हूँ, मेरी ख्वाहिश थी और ख्वाहिश है, आप सब अक्सर प्रोग्राम कहते हैं कि वो लोग यहाँ पे बैठे होते जहाँ जब हुकूमत में यहाँ बैठ के छलांगे लगा रहे थे, ये इस कुर्सी पे उनकी जगह नहीं होती थी, वो कैसे छलांगे लगाते थे कि हम ये करते। उनमें से कईयों को तो मैंने देखा कि उन्होंने कह दिया कि हम 9 मई में हमने जो है वो बड़ा बना किया और हमने लोगों को तरगीब भी दी, इनके अपने पार्टी के लोगों ने कहा है, हमने नहीं कहा सर, अगवा होने के बाद कहा है सर। अब मुझे बात तो करने दें भाई जान सर, लेकिन वो फिर अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन मुझे बोलने दें, ठीक है ठीक है, बस ठीक है, झूठ बोल सकता हूँ ना, जो है अगवा हुआ जो भी, देखे मैंने हमने पहले कहा था, मैंने कहा जब ये इनको लितर लगेंगे ठीक, हमें तो लगे हमने ठीक हो गए, हमारे एक जमहूरी एक हमने एक सफर तय किया, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, उसके बाद कम से कम हम ये कह रहे थे कि हम इखलाक के दायरे में रह के सियासी तनकीद करेंगे लेकिन बिलो द बेल्ट गालियां ये चीजें नहीं करेंगे। लेकिन इनका जो चेयरमैन था वो जो होता था और कैबिनेट मीटिंग में कई लोगों ने कहा है कि कैबिनेट के मेंबर्स ने कि जो ज्यादा गाली निकालते उसके लिए ज्यादा थंपिंग होती थी और संजीदा लोगों को नहीं सुना जाता था। अब आप कहते हैं कि अब वही लोग आपके लोग, हमने नहीं इल्जाम लगाया 9 मई को जो वाकयात हुए ना, हमें भी पाकिस्तान की रियासत से शायद बहुत से माजी में गिले हुए होंगे, जब मोहतरमा शहीद हुई पाकिस्तान में आग लगी हुई थी, हमने पाकिस्तान खपे का नारा मारा और हम आगे बढ़े। आज ये कहते हैं फौज के खिलाफ नारे इन्हीं के जलसों में नहीं लगे, आज तक कौन लगा रहा था फौज के खिलाफ, मतलब हमारे होंगे लेकिन हम ये नहीं कहते कि फौज हमारी, उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो सियासत करते हैं। आपके चेयरमैन ने नहीं लगाया कभी नारा किस चीज़ का, किसी भी आर्मी चीफ के वाले से? यार मैं मेरी बात मुकम्मल कर देना, मैं कहूँ कुछ लोग ऐसे होंगे। अब आप कहते हैं हमें साकिब निसार जैसा जज मिले, बंदियाल जैसा जज मिले, बाजवा जैसे और फैज जैसे लोग मिले, आप 10 साल के प्रोजेक्ट पे थे कि 10 साल तो हमारे कहीं नहीं गए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, आपका प्रोजेक्ट नाकाम हो चुका, आपने अपने इंशाल्लाह के फजल से आपको दुश्मन की जरूरत नहीं थी, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते थे, अदम एतमाद हुआ, जरदारी साहब की मिन्नत कर रहे थे कि आप शहबाज शरीफ को ओढ़ दें
हम आपके साथ हर काम करने को तैयार हैं, डील करने को तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि पीटीआई सरदारी साहब की मिन्नतें कर रही थी कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना करें और हम आपको तारीख है बिल्कुल मलिक रियासत की ऑडियो लीक नहीं हुई थी। नहीं, वो तो उनकी बात होगी ना, किस लेवल पर, किस लेवल पर वो तो एक हो गई ना यार। आप एक मिनट ना उनको असल बात की तरफ जाने दें। और पार्टी में किस लेवल पर ये बात, इनकी पार्टी में मलिक रियाज साहब इनकी पार्टी में तो नहीं है ना, पार्टी से किस क्या, जब इमरान खान के साथ थे तो पार्टी क्या थी। लेकिन मुझे पार्टी से किसी ने आप लोगों से रब्ता किया? देखिए, उन्होंने मलिक रियाज को कहा इमरान खान ने कि आप उधर बात करें, लेकिन मैंने कमिटमेंट कर लिए, इसे मेरा फायदा या नुकसान। तो वो क्या चाहते थे आप लोग, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ना हो तो क्या? हम असेंबली तोड़ते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, एक और भी लीग हुई जिसमें अभी वो नहीं है, जिसमें बिलावल साहब ने स्टैंड लिया कि हम अदम एतमाद करेंगे, हम इलेक्शन के लिए नहीं। बाजवा साहब ने जब कहा था, एक वो हुई थी आसमा शेराजी ने गालिबन ये बात की थी कि बाजवा साहब ने कहा था कि इमरान खान इलेक्शन करने को तैयार है, हमने कहा तो बात गुजर गई, जब इनको पता चलिए सब कुछ। अब प्रॉब्लम ये है, इन्हीं के चेयरमैन ने कहा था कि मेरे लिए तो वोट भी यही बराबर करते हैं, मेरे लिए मेंबर्स भी यही आते हैं, बिल भी ये पास करते हैं, मेरी फॉरन पॉलिसी भी बनाते हैं, मेरी हुकूमत भी ये चलाते हैं। निकाले ना वो क्लिप्स जो हमारे टाइम पे आप निकालते थे, टक 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 करके निकाले जरा, क्या क्या कहते थे। खैर, पाबंदी लगा दी कि आवाज तो चला सकते हैं ना अगर फूट नहीं चला। लेकिन बात यह है, अफसोसनाक अमर यह है कि जब कोई बंदा इस फेज में चला जाता है पॉलिटिक्स में, जो सेलेक्ट हो जाता है या उनका लाडला हो जाता है, तो वो सारी दुनिया से साइड हो जाता है। जब अपोजिशन में आता है, कहता है यार मैंने तो यहाँ पे भी गलती की है, मैंने यहाँ पे ये नहीं करना था। आज इनको सब कुछ याद आ रहा है। जब आप थे, आप आईन और कानून की बात करते थे, जब आपने तमाम लीडरशिप को अंदर किया, जब आपने मरियम नवाज को हथकड़ियाँ डाली, जब आपने फरियाल तालपुर को रात को कौन से मुझे पता है आपके कानून में कोई है कि रात को अस्पताल के रात 9-10 बजे जेल खुले ईद की रात को और आप किसी मुजरिम को जाके जो है उधर मतलब है तो आपके ख्याल में अभी ये पोजीशन जरा मुझे ब्रीफ कमेंट कीजिएगा, मैंने इनकी तरफ जाना है, क्यों अब ये पोजीशन ले रहे हैं, अब उन्होंने जेल से ये पैगाम क्यों भेजा है कि ये लोग कहते थे ना, यही चेयरमैन कहता था कि इनको घर से खाना क्यों जाता है, ये 5 होटलों में रहते हैं। अब कहते हैं, कभी कहते हैं मुझे सही मशीन दो, कभी कहता है डंबल दो, कभी कहता है देसी मुर्गे दो, कोई तो 5 होटलों में। हसन का ये ख्याल है, हसन जो अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं कि उनको ये रियलाइज हुआ है कि पुरानी एस्टैब्लिशमेंट और नई एस्टैब्लिशमेंट में फर्क है, तो इस वजह से अब वो ये फर्क समझ बैठे हैं इसलिए। लेकिन व्हाट इज योर टेक ऑन, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल डायलॉग हो, चाहे वो चाहते हैं कि वाया एस्टैब्लिशमेंट कोई रास्ता। देखिए, पॉलिटिकल डायलॉग तो उस वक्त होगी जब वो अपने केसों से बरी होंगे, बाहर आएंगे तो पॉलिटिकल बात होगी। आप लोगों को एक तो बता रहे, उन्होंने जो बातें की आप उसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मुझे ये बताइएगा आप लोगों को अभी ये क्यों रियलाइज हुआ है कि उन लोगों से खुद को डिसोसिएट करना पड़ेगा, डिस्टेंस करना पड़ेगा जो फौज मुखालिफ बातचीत कर रहे हैं, ट्रेंड्स बनाते हैं, बात करते हैं, झूठे बयान और जो लैंग्वेज यूज करते हैं, यू नो दैट। नहीं, लेकिन बात यह है कि जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है ना कि फ़ौज के खिलाफ, ये बातें तो ज़्यादा जो हैं इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर भी हैं, ये बकायदा प्रोपेगेंडा सिर्फ पीटीआई को कैच करने के लिए किया जाता है कि पीटीआई है, और पीटीआई नहीं करती किसी जगह के ऊपर दिखाएं किसी पीटीआई रहनुमा ने बयान दिया हो कि फ़ौज के हम खिलाफ हैं, या इमरान खान ने कहा हो कि हम फौज के खिलाफ हैं। ये सारे जो इस वक्त बोगस और सारे ये इकट्ठे हुए हैं ना, अच्छा मुझे सिर्फ इमरान खान के खिलाफ हुए हैं। ये बताएं नंबर पर जो हुकूमत ये कह रहे हैं अदम एतमाद की बात कि खान साहब ने बड़े मैसेज भिजवाए और ये किया और वो किया, पहली बात तो ये बताएं जो इन्होंने किया है, जिस तरह से इन्होंने ये इमरान खान की हुकूमत हटाई है मिलकर अमरीका के साथ, और जो जिस तरह से इन्होंने मंडियां लगाई हैं, लोगों को पैसे जो हैं वो दिए हैं, और जिस तरह से अदम एतमाद किया है, दुनिया नहीं जानती। पंचोता साहब, दुनिया नहीं जानती, ये बताएं। और फिर ये बिलावल जो हैं जिनके बारे में बड़ा कह रहे हैं, वैसे मैं एक सवाल, वो कैसे शहबाज शरीफ को सलूट मार रहे हैं, वो भूल गए हैं जैसे उन्होंने फेक तस्वीरें का जवाब ये देंगे, वहां से इसका जवाब ये देंगे, और मेरे सवाल का जवाब जबरदस्त शहबाज शरीफ आज मान गए, आज आप मेरा सारी जिंदगी एक दूसरे को गाली देते हैं। आज आप मेरा एक मसला हल कर दें क्या? पंचोता ने बिल्कुल ठीक कहा कि पीटीआई को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उससे पीटीआई का कोई भी ताल्लुक नहीं है, इसे पीटीआई के साथ जोड़कर पीटीआई को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये इमरान खान को मजीद केसों में फंसा सके, मगर अवाम ये सब देख रही है और अवाम इमरान खान के साथ ही खड़ी है। नाज़रीन, आपका इस हवाले से क्या कहना है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।